स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बना रहे हैं आलू छोले टिक्की, जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का फेमस स्ट्रीट फूड है और हर वर्ग के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 4 से 5 उबले हुए आलू, जिसे हम अब कद्दूकस कर लेंगे। सारे उबले हुए आलू को हमें इस तरह कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें हम मिलाएंगे हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक का। इन सबको हमने साथ में पीस लिया है और ऊपर से हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने धनिया डाला है सूखा। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इसे टिक्की का आकार देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो लीजिए, तैयार हो चुकी है आलू टिक्की। हमने इसे इस तरह से शेप दिया है। सारी टिक्की इस तरह तैयार कर लेंगे। अब हमें छोले की सब्जी तैयार करनी है। हमने एक बड़े चम्मच ऑयल लिया है, इसमें एक छोटा प्याज बारीक काट के डाला है। प्याज बन चुका है। अब इसमें हम एक टमाटर, जिसे हमने कद्दूकस किया है, उसे ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वादानुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा छोले का मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें हम छोले ऐड कर देंगे। हमने 3 से 4 घंटे छोले भिगो के रखे थे और 2 से 3 सीटी लेके छोले उबाल लिए आलू के साथ। तो लीजिए, आलू छोले की सब्जी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है हमने और इसमें अब डाल देंगे हम छोले मसाला। तो लीजिए, तैयार हो चुके हैं छोले। अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ। यहाँ हमने 1 छोटी चम्मच ऑयल पैन में डाल दिया है। अब हम तेल गर्म होने के बाद इसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ रख देंगे। इस तरीके से हम इसे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक और कुरकुरा होने तक सेकना है। हम इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही सेकेंगे तेज फ्लेम पे। अब इसे हम एक एक करके पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है और सिक चुकी है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, क्योंकि ये वैसे ही पके हुए हैं आलू। तो बस हमें इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेकना है। दोनों तरफ से हम अच्छा सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमने और ऑयल डाला है। लगभग ये तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे प्लेट में। छोले टिकिया की प्लेट तैयार करेंगे।
होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।